नमस्कार, स्वागत करछ आपनकु मो चैनल बैंकिंग विथ रजत रे। देखंतु आज टॉपिक अछि ओडिसा बीडी पै जो मैथ आ रीजनिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज डिस्कशन करबा। ठीक अछि, देखंतु आपन खाली ओनली ठीक से देखंतु माइंडफुली आ अटेंटिव। ठीक अछि, जहां भी करी आपनकु भल ट्रिक करबि एवं इजीली आपन बुझी परिबे। आपन ओनली मते टाइम दियंतु, जो 15 मिनट टाइम आपन नेबि अब ठीक से सब आपको क्वेश्चन जो आसला ये क्वेश्चन आसला आप भलसे सब बुझी पारे। ठीक अच्छे, चलो तो आरंभ करवा। देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन 29, व्हाट विल द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड 8। क्वेश्चन बुझ, क्वेश्चन कौन जदि गोटे नंबर को मुझे 56 डिवाइड करी मते जो नंबर को जदि मु 56 रे हरिबी तो नंबर टा होची एक्स, तो मते भागशेष मिलिगो रिमाइंडर मिलिगो 29। ठीक अछि, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर डिवाइड बाय 8। यदि सेम नंबर मु 8 डिवाइड करबी तो मते रिमाइंडर केते मिलिगो। ए क्वेश्चन बीडी एग्जाम हो, सिटी एग्जाम हो, बा जे कोनसी स्टेट लेवल एग्जाम हो, अब एस एस एग्जाम हो, ए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बंधु रिपीट कर बारंबार। ठीक अच्छे, तो क्वेश्चन बुझा जब जदि गोटे नंबर को 56 डिवाइड कली मत 29 है मोर भागशेष, एवं से नंबर को 8 डिवाइड कले मोर भागशेष केते हबो। तो फॉर्मूला कौन देख, जिते मोर भागशेष हबो बंधु मन कर जिते मोर भागशेष एठी दबो दे जो क्वेश्चन रे ताको कोन करबि ना डिवाइड जो करके कह दो ताद मु डिवाइड कर देबी, ता माने एटी 29 के डिवाइड कर देबी 8 रे। ठीक अछि, 8 कले 8 3 की 24 आ गल्ला 5, तो आंसर आसी बेठी 5। 8 डिवाइड कले आसीबो ता रिमाइंडर को अपन ता डिवाइजर रे डिवाइड करी देबे। ठीक अछि, इदला फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कहू product of two numbers, दीटा नंबर product हूँ के देख, गोटे नंबर एक्स आ गोटे वाई। ठीक अच्छे, दीटा नंबर product हूँ गुणन हूँ गुणफल हूँ 216। जदि एलसीएफ बा गॉस आगे हुए 6 तबे लॉस आगे केते हबो, तो दीटा product गुणफल हमर गॉस लॉस भरिया, तो केमित करे देख, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 216, गोटे देजी 6 मन का एक्स देजी 6, तो वाई केते हि जीवो 216 बाई 6 हि जीवो, ए 6 सेठी इंटू हि जीवो हेले केते हबो 36, तो आंसर होची 36। बुझेला क्वेश्चन 2 वाला। देन क्वेश्चन 3 आसो, ना क्वेश्चन 3 कइसे कोन देखो, क्वेश्चन 3 का एक 1 2 1 1 देखो 1 1 2 0 डिवाइड पी इक्वल टू पी रूट इक्वल टू 80, एपट इंटू अच्छी आसिक डिवाइड करदे बा एक्स को सेपट को नहीं जावा। ठीक अच्छे, ये सेपट को जीवा तो आम एम कर पारिया, ये 80 लिखिकी एपटे लिख पार एम लिख पारिया, तो काटि दिया को शून्य शून्य कटिगला, 8 के 8 आठ चौ 32 14, तो रूट पी इक्वल टू 14 वाला। बंधु देख ये अच्छी रूट अच्छी एपट गले स्क्वायर हो जीवो, पी इक्वल टू 14 स्क्वायर 196। बुझेला उत्तर हूँ 196। देन क्वेश्चन नंबर 4 चल, क्वेश्चन नंबर 4 कह देख, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 192 मीटर क्यूब मीटर द सरफेस एरिया इज डैश। बंधु गोटे कथा मन रख, गोटे क्यूर बार मन रख, क्यूर गोटे क्वेश्चन जहाँ बेले क्यू बा क्यू वर्ड आस मस्ट। ठीक अच्छे, 3D बा 2D रू जहाँ आपको क्वेश्चन मिले, क्यूर वॉल्यूम फॉर्मूला हूँ ए क्यू मन रख, एवं सरफेस एरिया फॉर्मूला हूँ 6 ए स्क्वायर। ठीक अच्छे, तो ये देख
वॉल्यूम देई तमे ए क्यू देई वॉल्यूम अपर क्यू देई वॉल्यूम अटी देई देई तो अटी तो बाहर ही वनी क्वेश्चन भूल देई छी बंधु जो सरफेस एरिया आपको सपोज देई छी 6 ए स्क्वायर इक्वल टू 196 देन ए इक्वल टू 196 बाय 6 6 3 की 18 6 3 की 18 तो कि क्वेश्चन भूल दे छी कारण क्यू रो भी आपन को 192 कोनो से क्यू मिल परबो नहीं बा 6 रे भरिले भी से 33 होती 33 भी मध्य कारो स्क्वायर हबो नहीं ठीक अछि तो एटा सपोज मन कर एटा 196 बंधु क्वेश्चन भूल अछि 196 नहले भी एटा 196 ले भी होबो नि काहेकि क्यू रो वॉल्यूम देछि वॉल्यूम फॉर्म जे ए क्यू एटी ए बारे कहले क्यू दरकार आइदर 2 रो क्यू दरकार बा 2 3 4 5 6 6 ले 2 6 सपोज बंद एटी थांदा 216 थांदा क्वेश्चन साथ भूल लिखिछि ठीक अछि एटी 216 थांदा क्वेश्चन पेंटिंग मिस्टर अछि ठीक अछि 216 सॉरी 6 नो 216 थांदा देखो ए क्यू हम देई छी वॉल्यूम ए क्यू इक्वल टू कते 216 ए क्यू इक्वल टू 216 ए इक्वल टू 216 क्यू रूट होई जबो कते जो क्यू रूट हेला 6 भाइबो ए वाला 6 ठीक अछि एथि ए वाला 6 सरफेस एरिया फार्मूला कोन 6 ए स्क्वायर 6 इनटू 6 रो स्क्वायर बुझिला 6 इनटू 6 रो स्क्वायर 636 216 इता सेम ही बाहरी वाला ठीक अछि मोदे तो कहू तो जतई क्वेश्चन एटी भूल देई छी ठीक अछि देन क्वेश्चन नंबर 5 चलो तो 5 देई छी क्वेश्चन पैटर्न देई छी तो एम सीरीज क्वेश्चन जहां पे अपन निश्चित ओटा आसीबो सीरीज क्वेश्चन 25 216 49 5 बार देन नेक्स्ट कोन हो देखो एटी अछि 25 अछि 216 अछि 49 अछि 512 अछि देन नेक्स्ट कोन देखो एटा अछि 5 रो स्क्वायर 25 6 रो क्यूब देन ये 7 रो स्क्वायर 8 रो क्यूब देन अब 9 रो स्क्वायर त 81 हो नेक्स्ट गोटे स्क्वायर गोटे क्यूब गोटे स्क्वायर गोटे क्यूब तो नेक्स्ट हो 81 बुझेला देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिला तो पिला कमेंट कर सर अपन मैथमेटिक्स या रीजनिंग क्वेश्चन करन दे बिनी पाई तो मो अडी ए क्लास ता कॉलेज जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 250 बंधु अपन को मो ऑलरेडी क्लास करी छी अपन जान देखंतु प्रॉफिट लॉस क्लास दीटा होई छी सेलिंग प्राइस अपन देई छी केते 250 पचार जी कॉस्ट प्राइस केते हबो एते देई छी प्रॉफिट देई छी देई केते प्रॉफिट देई छी 10% कॉस्ट प्राइस रे प्रॉफिट मिसले हमर भारे सेलिंग प्राइस आरो कथा मन कते हम सब बोले कोन करू ना प्रॉफिटेबल लॉस कॉस्ट प्राइस ऊपर भार करू कितोटी पचार छी केते कॉस्ट प्राइस पचार छी ठीक अछि देखो क्वेश्चन एति के देई छी ठीक अछि नै लिखो देखो हम जान छै मन कर कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100% प्रॉफिट कते आइ छी 10% तमे सेलिंग प्राइस होइ जइबो 110 होइ जइबो ना बुझला नै बुझला सेलिंग प्राइस 110 बले कॉस्ट प्राइस 100 सेलिंग प्राइस 250 बले कॉस्ट प्राइस कते
एन थर्ड नंबर सेलिंग प्राइस एसपी 110 बेले कॉस्ट प्राइस 100 देन सेलिंग प्राइस 250 बेले कॉस्ट प्राइस कितना 100 बाय 110 गुणन 250 ठीक अछि 100 बाय 110 गुणन 250 सुनो सुनो काट दियो 2500 बाय 11 हले जति गबो आपन क्वेश्चन आसे आंसर सेते कि बुझेला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोइ छी 3s स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0 देखो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो एटी x रो वैल्यू केते हबो क्वेश्चन या पचारिस बुझेला x रो वैल्यू केते हबो तो यार फार्मूला अछि के आपने जा ये देखो आपको ये s स्क्वायर प्लस bx प्लस c ए फार्मूला ये अछि तो एठी रहबो ए पके आ रहू छी एस पके जा रहबो से ए वैल्यू ए एठी जा जो बी वैल्यू एठी छी सी वैल्यू ठीक अछि तो ए फार्मूला कोन करे ना ऑलवेज अपन ए को सी को गुणिबे देखो 36 के 3 ने गुणले माइनस 36 इनटू 3 माइनस 108 बुझियला तो गुणि लहु तो माइनस 108 मिसै लेबा फेर लहु तो माइनस 3 कोन संख्या 12 नुआ 108 होउची किंतु 12 9 फेले माइनस 3 केमि जबो ना जदी माइनस 12 कर देबी प्लस 9 कर देबी बड़ संख्या सन संख्या फेले माइनस 3 हे जबो वो माइनस 12 प्लस 9 तो इनटू करले माइनस 108 हबो तो गोटे संख्या पाइले माइनस 12 आ गोटे पाइले प्लस 9 बुझेला जाउ पाइले ताकु ए जो ए पखे जा थबो ए पखे केते 3 अछि ताकु 3 डिवाइड करबी गोटा को दिर करबी ये कटलेला माइनस 4 एटा होची प्लस 3 ठीक अछि मोर आंसर वाला माइनस 4 प्लस 3 किंतु बंधु एटा होची परफेक्ट आंसर नो आ गोटे स्टेप खाली जा साइन अछि माइनस थिले प्लस करिवो प्लस थिले माइनस करिवो तो x वैल्यू होची लास्ट वाला प्लस 4 माइनस 3 बुझेला आकु इनटू कला मोर 108 तो इनटू कला हम तो 108 मिसे रहू तो ए संख्याटा माइनस 3 त 12 नु 108 ठीक अछि त 12 रु 9 माइनस करले प्लस 3 होछि यदि 12 मु माइनस करि प्लस 9 कर दे त मोर थी माइनस 3 आसीबो बुझेला देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करि देखो रेडियस ऑफ ए सर्कल गोटे सर्कल रो रेडियस एटा एतिकु हैला कहि जे 14 सेमी फाइंड एरिया तो एरिया फार्मूला कौन पाई आर स्क्वायर पाई मूल्य बंधु 22 वियोग 7 मनसि 22 वियोग 7 होची पाई मूल्य आर स्क्वायर माने केते आर स्क्वायर एटी आर केते 14 एटी 14 गुणन 14 काट दियो 2 हला 28 की 22 गुण दियो 22 की 28 गुण 22 6 76 6 गुणला 17 22 गुण 44 17 एकांदर 61 616 तो एठी एरिया होची 616 बुझियला आइतु आ 14 दिन 14 कली बुझियला देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि द पेरिमीटर ऑफ ए स्क्वायर 132 बंधु ये होची स्क्वायर हला वर्ग क्षेत्र तार पेरिमीटर माने चतुर्पार्श्व केते कहि छी एटी आ आकु मते ये हमें भागिले सब ये माने वैल्यू होन सब देखो सेम तो से कहि छी हमर फार्मूला कोन पेरिमीटर फार्मूला होची 4a 4टा रो गुणफल तो 4a देइस केते देइ छी 132 देइ छी तो a केते हि जीवो एटी 4 जाएंगे डिवाइड हि जीवो 132 रो 4 3 की 12 4 3 12 33 ए होला 33 45 कोन एरिया तो एरियो फार्मूला कोन ए रो स्क्वायर 33 स्क्वायर दे जइबो केते 32024 33 1080 1089 बुझेला ये होची आंसर थिला जाकि एरिया ऑफ पेरिमीटर बुझेला जहां डाउट प्लीज कमेंट करंतु आउ वीडियो को पॉज करंतु आउ जे देखंतु टोटल बुझी पारिबे।
ठीक अछि जेतला सिटी बा बीडी आपन एम सेम क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि बीडी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देला मु डिस्कशन करली तो आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन मु जानिबी आपन को इंग्लिश रहो बा जा भी रहइबो प्लीज कमेंट करंतु एवं जा डाउट मते कमेंट रे पचारंतु मु निसन सॉल्व करबी धन्यवाद।